हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल शक्ति। इलेक्ट्रिकल शक्ति में अभी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में मैग्नेटिक सर्किट और हमने परमेबिलिटी और उसके बाद में हमने MMF इन सभी को डिस्कस किया था। नाउ हम लोग यहाँ पर लॉसेस की बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ लॉसेस भी होते हैं, तो वो लॉसेस दो तरह से होते हैं। एक होगा आपका हिस्टैरिसीस लॉस और एक होगा आपका एडी करंट लॉस। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस आपके जब मशीन हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद जब मशीन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी यही दो लॉसेस की बात हर टाइम आपको मिलेगी। तो ये लॉसेस अगर आपने अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिए तो आपको आगे बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सोलेनॉइड मटेरियल लिया। सोलेनॉइड मटेरियल, इसमें एक बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने के बाद जब करंट यहाँ से इंसर्ट करा रहे हैं और यहाँ पर करंट आके सर्किट कंप्लीट कर रही है, तो ये आपका एक ये जो मटेरियल लगा हुआ है वो इंडक्टर का मटेरियल लगा हुआ है। और हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जो पावर होती है, पावर बेसिकली पावर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। पावर दो तरह से होती है, या तो एक्टिव पावर होगी या फिर रिएक्टिव पावर होगी। ठीक है, एक्टिव पावर की यहाँ पर हम बात कभी भी नहीं करेंगे मैग्नेटिक सर्किट में, हमेशा रिएक्टिव पावर की बात करेंगे, क्योंकि रिएक्टिव पावर में ही इंडक्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर आता है। ओके, तो इंडक्टर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है। हमने इसके पहले भी आपको इंडक्टर पढ़ाया था, L इज इक्वल टू क्या था, N फाई अपॉन ऑफ I। तो इंडक्टर क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा था। तो यहाँ पर हमने पावर को लिख दिया एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर ओनली फॉर रेजिस्टेंस और रिएक्टिव पावर कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वी विल टॉकिंग अबाउट इंडक्टर। इंडक्टर इज़ वॉट, इज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करता है, ऐसे थोड़ा ना कि अपने ऊपर से ये क्रिएट करने आ जाएगा, कुछ भी ऐसे कोई भी आप कहानी बना देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। तो लॉजिक क्या होगा कि इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि जब आप राइट हैंड के राइट हैंड को रैप करेंगे, राइट हैंड की जो फोर फिंगर्स हैं उसको रैप करेंगे, तो रैप करने पर जो आपका थंब होगा, थंब वो आपको कौन सी डायरेक्शन शो करेगा, नॉर्थ डायरेक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ। तो नॉर्थ टू साउथ रोटेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो जो हमारी मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ टू साउथ की तरफ इंसर्ट करेंगे, नॉर्थ से निकलेंगे और साउथ की तरफ इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक डाइपोल ले रहे हैं, डाइपोल नहीं लिया, बेसिकली हम क्या ले रहे हैं, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहे हैं जो हम क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड के पास में रख रहे हैं। तो सोलेनॉइड के पास में रखेंगे तो उसका एस पोल ये हो गया, एन पोल ये हो गया, तो ये एन और एस आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके जो भी डाइपोल हैं, जो हमें डाइपोल दिख रहे हैं, तो ये क्या कहेंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन करने लग जाएंगे। डाइपोल जो हैं यहाँ पर मूव ऑन करने लग जाएंगे। अब जब ये सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई देना जब हमने बंद कर दिया, तो फिर क्या हुआ कि ये इनका मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। बट इसमें कुछ ना कुछ आपके डाइपोल एक ही डायरेक्शन मूव ऑन रहेंगे, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म इसमें रहेगी। तो जो मैग्नेटिज्म इसमें रहती है, बची हुई रहती है, उसको हम कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जब भी हम स्क्रू ड्राइवर की बात करते हैं, तो स्क्रू ड्राइवर में भी जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्क्रू ड्राइवर की बात करते हैं, तो उसके आगे भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी को रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं उसको। अब इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को भी हमें ख़त्म करना है पूरी तरह से, डायपोल को एक ही पोजिशन में ला के रखना है, क्योंकि ये डायपोल जो है वो एक डायरेक्शन मूव ऑन हो चुके हैं, बट यहाँ पर सप्लाई फिनिश हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो मूव ऑन हैं, उसमें मैग्नेटिज्म है। तो उसको एक सेम डायरेक्शन में जो जिसमें वो पहले थे, जिस पोजीशन पहले थे, उसमें लाने के लिए हम फिर से पावर देते हैं, वो रिवर्स पावर होती है। उसी पावर को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। तो सेम ऊपर से थोड़ी सी रेसिडुअल पावर मैग्नेटिज्म रह जाती है, इसको पूरा ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा पावर देते हैं, वही क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस लॉस कहलाता है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, हिस्टैरिसीस लॉस जब भी पूछा जाए तो आप लोग उसको याद रखिएगा। ओके, वी विल डिस्कस अबाउट BH कर्व। BH कर्व की अगर हम लोग बात करते हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा हुआ था कि हमने लॉसेस पढ़े हुए थे मैग्नेटिक मटेरियल से, कुछ लॉसेस आते हैं वो दो तरीके से थे, एक हिस्टैरिसीस और एक एडी करंट लॉस। तो BH कर्व की अगर हम बात करते हैं, तो BH कर्व में क्या होगा कि B इज इक्वल टू क्या होता है, B क्या था हमारा, मैग्नेटिक डेंसिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। एच इज़ वॉट,
मैग्नेटिक इंटेंसिटी. ओके, अब म्यू नॉट और म्यू आर जो है, म्यू नॉट, अगर म्यू नॉट की वैल्यू तो पता ही है क्या होती है, 4π 10⁻⁷, और म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर ईयर के लिए 1. ठीक है, इन ईयर के लिए म्यू आर इज इक्वल टू 1, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच. तो एक आपके एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि बी एच कर्व इज स्ट्रेट लाइन और लीनियर फॉर एयर एंड वैक्यूम. मतलब बी एच कर्व स्ट्रेट लाइन और लीनियर कब होगा, एयर एंड वैक्यूम के लिए. ठीक है, नाउ वी विल टेक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास को हम जब सोलेनोइड के पास लेकर जाते हैं, स्टार्सिस लॉस में मैंने पढ़ाया भी था कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है तो उसको सोलेनोइड के पास लेकर जाते हैं तो वो क्या होगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा. मैंने वहाँ पर बताया भी था कि इस तरीके से आपका सोलेनोइड है तो यहाँ पर ये जाएगा, तो ये आपका एन और एस पोल है, तो यहाँ पर एस और एन पोल मतलब जस्ट अपोजिट ही होंगे, तो ये अट्रैक्ट करेगा जब इसमें सप्लाई देंगे. सोलेनोइड में जब सप्लाई देते जा रहे हैं तो ये अट्रैक्ट कर, लेकिन जब सप्लाई देना बंद कर दिया तो ये अट्रैक्ट करना भी बंद कर देगा. ठीक है, तो क्या होगा उस समय कि जब सप्लाई देना बंद कर दिया अट्रैक्ट, लेकिन कुछ उसके डाइपोल मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कुछ डाइपोल जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और एकदम सप्लाई बंद हो गई, तो कुछ डाइपोल वहीं पर ही मतलब रुक जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन कर जाएंगे, वो अपनी जो उसकी फिक्स डायरेक्शन फिक्स प्लेस है वो उस जगह स्टेबल नहीं होंगे. तो उस जगह स्टेबल करने के लिए ही हमने बताया था वहाँ पे स्टार्सिस लॉस की पूरी कंडीशंस बताई थी कि स्टेबल करने के लिए हम फिर से पावर देते हैं, तो वो एक तरीके से लॉस है क्योंकि हम ऑलरेडी पावर दे चुके हैं, अब उनको स्टेबल तो करना है तो फिर से पावर दे रहे हैं, तो वही जो पावर होती है वही जो लॉस होता है वो स्टार्सिस लॉस होता है, ये हमने पहले भी बताया आपको. तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं, आयरन मटेरियल को सोलन के पास रख रहे हैं, वो उसे अट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके बी क्या है, मैग्नेटिक डेंसिटी, बी इज मैग्नेटिक, एच इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी. अच्छा, एच का एक फॉर्मूला और आपने पढ़ा होगा, एच इज इक्वल टू, जब आप हमने प्रीवियस इंटेंसिटी पढ़ाया, एच इज इक्वल टू एन आई बाई एल, मीन्स एन आई क्या है, एम एम एफ बाई एल. तो एच किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई के, तो वही मैंने लिखा एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और इस तरीके से बढ़ रहा है. ठीक है, अब चलो, ठीक है, जब हम क्या करें सोलेनोइड के पास, तो इसकी मैग्नेटिक डेंसिटी भी बढ़ेगी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, वही मैंने यहाँ पर साइड में लिख रखा है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा. जब इतना होने के बाद आयरन के टुकड़े को जब हम दूर ले जा रहे हैं, तो अब एक चीज़ और देख लीजिए, जब इसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया और एच दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं. ठीक है, डी और एच दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, उसके बाद अब कोई भी चीज़ एकदम से पूरी पूरी नहीं बढ़ पाएगी, मतलब एक उसकी एक अपना पर्टिकुलर टाइम होगा, पर्टिकुलर स्पेस होगा जहाँ तक वो बढ़ सकती है, तो एक सैचुरेशन का मोड आता है, तो वहाँ पर वो सैचुरेट होगी. सैचुरेट होने के बाद जब वो रिवर्स जाएगी, तो रिवर्स जाने पर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएंगे कुछ चीज़ें, रिवर्स जाने पर डिक्रीज़ हो जाएंगे, डिक्रीज़ होने के बाद वो अपनी ही कंडीशन पर वापस नहीं आ पाती, जो हमने अभी पहले बताया था कि रेजिस्ट कुछ डाइपोल रह जाते हैं, तो वही वो डाइपोल हैं जो यहाँ पर ये रह रहे हैं. ठीक है, तो ये अपनी ही पोजिशन पर वापस नहीं जा पा रहा है, तो यही जो पोजीशन है, जो उसकी स्टार्टिंग से एंड तक की पोजीशन है, जो मैंने यहाँ पर शो भी की है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म. ठीक है, इसको ये कहते हैं. अब ये आगे बढ़ा, क्योंकि एकदम से तो पीछे जा नहीं पाएगा, आगे हम इसको बढ़ाएंगे क्यों, एक तो एक रीज़न ये एकदम से पीछे नहीं जाएगा, एक ये रीज़न है कि हमारे जो डायपोल रह गए थे, जो हमने ये बनाया था, यहाँ पर एक साइड में डायपोल रह गए थे, सप्लाई बंद हो गई थी, ये हमारा सोलेनोइड मटेरियल था, बैटरी हमारी बंद कर दी गई थी, तो ये डाइपोल को हमें क्या करना है, एक अपनी पोजीशन पर वापस लाने के लिए हम फिर से इसको सप्लाई देते हैं, तो वही हमारा लॉस स्टार्सिस लॉस होता है. तो हमने क्या किया, इसी डाइपोल को अपने मतलब कि हमारा जो बढ़ा हुआ मैग्नेटिक डेंसिटी है इसको हमें ज़ीरो करना है. तो ये कहाँ तक गया, ये हमने देखा ये यहाँ तक आके ज़ीरो हो जा रहा है, इस तरीके से ये ज़ीरो हो जा रहा है. ओके, तो अब आगे, अब जब हमने यहाँ पर देखा ये एक ज़ीरो का नोटेशन आया है, ये ज़ीरो का नोटेशन आया है, तो ये जो बचा हुआ रेस्ट एरिया है इसको ही हम क्या कहेंगे, कोरिसिटिविटी और कोरिसिटिव
फोर्स, कोरिस्टिविटी एंड कोरिस्टिव फोर्स या रिवर्स करंट सप्लाई, जो ये कंडीशन है इसको रिवर्स करंट सप्लाई, और जो ये बचा हुआ पोर्शन है दैट इज कॉल्ड कोरिस्टिविटी और कोरिसिव फोर्स. ओके, अब ये यहाँ पर रिवर्स होके फाइनल यहाँ तक रिवर्स होगा, एक यहाँ पर भी सेचुरेशन पॉइंट होगा, सेचुरेशन के बाद फिर से मैग्नेटाइज होना शुरू होगा, तो ये इस तरीके से राउंड शेप में मैग्नेटाइज हो जाएगा. हिस्टेरेसिस कर्व बेसिकली अगर कभी पूछ दें तो हिस्टेरेसिस कर्व वी और एच के बीच में बनता है. वी और एच में जब एच हमारा सबसे पहले ज़ीरो होता है, कैसे ज़ीरो हुआ, यहाँ से एच बढ़ा यहाँ पर आया, तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर एच ज़ीरो हुआ, तो एच हमारा सबसे पहले ज़ीरो हुआ, आफ्टर देन बी. तो बी क्या करेगा, एच से लैग करेगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बी लैग एच, क्योंकि एच पहले ज़ीरो हुआ है तो इस वजह से. ओके, अब हम लोग देखेंगे आगे आयरन और स्टील दो तरीके के मटेरियल हैं, तो स्टील के मटेरियल ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू आयरन, क्योंकि आयरन के मटेरियल में क्या होता है, एरिया ज़्यादा होता है. हमने पढ़ा है कि एच इज इक्वल टू एन आई अपॉन एल, तो जितना जितना ज़्यादा दूर होगा उतनी इंटेंसिटी हमारी कमज़ोर होती जाएगी, तो एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा इंटेंसिटी हमारी कमज़ोर हो जाएगी, तो स्टील के लिए हमारा एरिया क्या रहता है, कम रहता है, एक तो ये रीज़न हो गया. अब हम जो भी जनरेटर लेते हैं, ऑल्टरनेटर लेते हैं, ट्रांसफार्मर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो उसके जो कोर बनाते हैं वो स्टील की ही बने होते हैं, स्टील लैमिनेटेड कोर होती है, क्योंकि आयरन में क्या होगा लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा सप्लाई उतनी मिल ही नहीं पाएगी, तो हम इसीलिए क्या ले रहे हैं, स्टील का कोर ले रहे हैं. तो इसी तरीके से जब स्टील का कोर ले रहे हैं तो सिलिकन जो हम ऐड करते हैं, जब अगर हम कोर बनाना शुरू करते हैं तो 3-4% सिलिकन ऐड करते हैं, इसमें जो परमिएबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ होती है. अगर स्टील का कोर बनाते हैं तो उसमें परमिएबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी, परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो फ्लक्स डेंसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर इनटू ऑफ एच, इस तरीके से. ओके, अब अगर सिलिकन की जो कैप जो क्वांटिटी है वो 3-4% से भी ज़्यादा ले रहे हैं तो वो हमारा जो मटेरियल है वो ब्रिटल हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, और वो क्या कह जाता है, वो ग्लास की तरह बिहेव करने लगे, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है. तो इसलिए हमारी जो क्वांटिटी होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है कि सिलिकन की क्वांटिटी कितनी लेते हैं, वो लेते हैं 3-4%. ओके, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टेरेसिस फार्मूला, हिस्टेरेसिस फार्मूला कैसे आएगा, पी एच इज इक्वल टू के एच एफ वी एम की पावर एक्स इंटू ऑफ बी. तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि पी एच इज वॉट, पी एच क्या है हमारा, हिस्टेरेसिस कॉन्स्टेंट है, हिस्टेरेसिस पावर लॉस है, ठीक है. के एच क्या है, के एच हमारा हिस्टेरेसिस कॉन्स्टेंट है, एफ फ्रिक्वेंसी है, बी एम मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ये हम यहाँ पर देख भी रहे हैं. के एच इज़ वॉट, हिस्टेरेसिस कॉन्स्टेंट, फ्रिक्वेंसी, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, एक्स यहाँ पर कट हो गया है, तो एक्स हमारा है हमारा स्टीमेंट्स कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर आप नोट डाउन कर लीजिए कि एक्स इज इक्वल टू स्टीमेंट्स, बड़ा भी होगा, कॉन्स्टेंट, इस्टीमेंट्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद हमारा वी आ गया, और जिसकी वैल्यू इस्टीमेंट्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1.5-2.5 तक होगी, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू नोट डाउन कर सकते हैं, वो वी इज़ वॉट, वी इज़ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है. तो अब आपकी पावर लॉस जो होती है स्टाइलिसिस में वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, इसकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पर, वी पर, एक्सटीमेंस कॉन्स्टेंट पर, और स्टारसिस कॉन्स्टेंट पर. ओके,